हेलो गाइस, मैंने मतलब तो स्वागत है आपका जीटी फाइव की खोनी वीडियो में। तो गाइस फिर से जीटी फाइव की खोनी वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइस वीडियो शुरू करने पर एक बात बताता हूँ आपको, हमने पिछली वीडियो में बैटमैन की कार बिल्कुल सेफ जगह पर लगाई थी, तो फ्रैंकलिन के मतलब घर पर लगा दी थी माइकल ने। तो हमारी मुझे मतलब मुझे देख ही गया था वो सेफ जगह पर रखने के लिए, क्योंकि लेस्टर जो था ना उसकी पुलिस को पता लग गया था कि कहाँ पर हमारी फ्रैंकलिन की मतलब बैटमैन कार कहाँ पर है। तो इस करके हमने पिछली वीडियो में ये सब करा था। जाके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाकर फटाफट पहले वीडियो देखो पिछली वाली, और आप फिर ये वीडियो देखना ठीक है। तो कमेंट कर देना ठीक है फटाफट कि हाँ मैंने पिछली वीडियो देख ली है। तो क्या चलते यार, मैं बता रहा, तो ये हमें जो बैटमैन की कार है ना, तो इसको हमने सेल कर देनी है। मेरी माइकल से बात हुई है पूरी, वो कह रहा फ्रैंकलिन मतलब पूरी कार बेच दे, पता क्या दिक्कत है, क्योंकि लास्ट हमारे पैसे दे तो रहा नहीं बिल्कुल भी वो। तो सर के कार हमने बेच देनी है पूरी, तो कार बेच के हमने पैसे ले लेने हैं। तो मतलब प्रॉफिट इसके अंदर मतलब सिर्फ 10% है ना माई फ्रैंकलिन का प्रॉफिट इसके अंदर, बाकी सारा माइकल रखेगा। 90% माइकल सही है, मतलब 90% सही है, अच्छी बात है। 10% इसको फ्रैंकलिन को भी दे रहा है, बिल्कुल सही है उसके लिए। तो फिर फ्रैंकलिन कहते चल कोई बात नहीं, मेरे पास अच्छा कस्टमर है एक, तो मैं उसको दे आऊँगा अपनी ये बैटमैन की कार। तो हम वहीं पर जा रहे हैं, उसने मतलब हमने उसको ऐसी जगह पर बुलाया है ना कि मतलब वहाँ पर पुलिस भी नहीं आ सकती अभी, तो मतलब पुलिस को हम बच बच के जा रहे हैं यानी मतलब। तो हमने किसी जंगल के मतलब रास्ते पे बुलाया है जहाँ पर हमें पुलिस बिल्कुल भी ढूंढ नहीं सकती। हम वहीं पर जा रहे हैं फटाफट जहाँ पर जंगल पे पुलिस हमें बिल्कुल भी ढूंढ नहीं सकती। तो वहाँ पर मैंने मार्क लगा रखा है, लोकेशन उन लोग को भी सेंड कर रखी है और माइकल को भी सेंड कर रखी है। तो माइकल हमें लेने आएगा, तो मैं ये कार उसको दे आऊँगा जाके जो कस्टमर है। तो सबसे पहले मैं उनके पास जा रहा हूँ, कस्टमर के पास, उनके कार दिखाएंगे, तो वो उससे उनसे बातचीत करेंगे पैसे वैसे कैसे कैसे करनी है। वो तो कहते हैं ओ कैश, तो ओ कैश तो मैं लेके नहीं आऊँगा क्योंकि हमेशा मेरे अकाउंट में पैसा रहता है, तो मैं ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करूँगा। तो माइकल कह रहा है चलो ठीक है, तुम मैं 10% तेरे को मैं बाद में दे दूँगा, फ्रैंकलिन के अकाउंट में आ जाएंगे ठीक है वो। तो माइकल कहता है चलो कोई बात नहीं, इसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लेते हैं। इस करके माइकल भी वहाँ पर आएगा तो फ्रैंकलिन तो जा ही रहा है वहाँ पर, तो हम पहुँचने वाले हैं फिलहाल के लिए। मेरे को लग रहा है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं हम, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है वैसे तो मेरे हिसाब से। यहाँ से हमने राइट होना है, तो मतलब ऊपर ऐसी ऐसी जगह पे बुलाया है ना जहाँ पे हमें पुलिस मतलब पता ना चले पुलिस को कि हम कार बेचने के लिए आए हैं, मतलब बिल्कुल भी उन्हें पता ना चले, ये सही रहेगा। मुझे लगा सामने दिखेगी मेरे कार, रखो यहाँ पर 2-3 कारें खड़ी हुई है, इनसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब बातचीत करनी है इनसे, मतलब कार लेके चले ही आने बस, वापस कार दे के चुपचाप इनसे चले आना, लेफ्ट साइड जाना हमने। तो मतलब ऐसी जगह बुलाया है ब्रिज की जगह पे, मतलब उन्हें पता ना चले पुलिस यहाँ पर आ भी नहीं सके बिल्कुल भी, अगर आएगा सिर्फ हेलीकॉप्टर आएगा अगर आएगा भी तो। सही है ना रास्ता, बिल्कुल देख लो आसान से आसान रास्ता, मतलब दूर है काफ़ी दूर है कहने, मतलब सुनसान सा रास्ता ये रास्ता, मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। आप बताना कमेंट को कैसा लगा रास्ता ये, और आप वीडियो बताना कैसी लग रही है ठीक है। लाइक कमेंट कर दो, शेयर कर देना फटाफट से। फाइनली गाइस हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो देख रहे हो 2-3 बंदे यहाँ पर आए, उनके कार आई हुई है 2-3। तो हम सोचे अपनी कार यहीं पर साइड में लगा के ना इनको दूर से ही दिखा देते हैं, मतलब देख लेंगे अच्छी तरह बातचीत कर लेंगे इनसे, तो पैसे वैसे बात करते। फटाफट मैं कार से उतरता हूँ, इनके पास जाता हूँ, इनसे बातचीत करता हूँ, देखो क्या कहते हैं ये। एक टकला सा लग रहा है मेरे को, नहीं इसके बाल है सिर पे हल्के हल्के चिट्टे से बाल है, इससे मैं बातचीत कर रहा हूँ कि बता देता हूँ कि कार कैसे चलानी है, मतलब सारा एक ही सिंगल सीटर है। तो ये दो कारें लेके आए, कार अपने आप ले जाएंगे, इनके बंदे आएंगे अपने आप ही ले जाएंगे। तो मैं बातचीत कर रहा हूँ इनसे पूरी, मतलब खुल के बात कर लेते कि बाद में कोई दिक्कत ना हो कि हाँ पैसे लेन देन कोई कार में दिक्कत, हमने बता दी कार, हमने ये नहीं बताया कि कार चोरी की है, तो हमने बस ये बताया कि कार मेरे मतलब शोरूम है मेरे भाई की, तो वो मुझे लेने भी आएगा, अगर आप उसे देखना चाहते हो देख सकते हो। तो इसको बता देता है, इसको चाबी दे रखी है मैंने, तो ये चाबी लेके चला जाएगा ठीक है। तो पूरी बातचीत दोनों से हो चुकी है मेरी, तो मैं सोच रहा हूँ माइकल को फ़ोन करते हैं, उसको बुलाते हैं कि आ जा माइकल मेरे को ले जाकर, है ना। तो माइकल फटाफट फ़ोन करता हूँ और माइकल मेरे को लेने आएगा। जैसे कि माइकल का मैं नंबर निकाल रहा हूँ ठीक है, तो उसको फटाफट फ़ोन करते हैं, और फ़ोन मैंने लगा दिया वैसे तो बात ही होगा, वैसे 2 मिनट बात करेगा, 2 मिनट भी नहीं 1 सेकंड बात करेगा, 10 सेकंड बात करेगा। तो वापस उससे बातचीत हो चुकी है पूरी मेरी, तो देखो यहाँ पर आ चुका माइकल, मैंने इसको बता दिया था मैं आ रहा हूँ आ रहा। देखो माइकल आ चुका है यहाँ पर, तो मुझे दिख चुका माइकल, देख लो माइकल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी यहीं पर है, तो इनसे बातचीत थोड़ा सा इनसे उतर के बातचीत करता हूँ। पर माइकल कहता चलो कोई बात नहीं आपकी मर्जी है, ऐसे सही लगता है ऐसे कर लो। अब मेरे को ये नहीं पता माइकल उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इसकी मर्जी है क्योंकि इसने मैंने बताया नहीं ना। देखो उतर के ये वापस जा रहा है, मैं सोचा क्या पता उनसे बात भी करे, माइकल से बात करे, फ्रैंकलिन से बात करे, कुछ नहीं पता मेरे को। तो माइकल कहता पूरी बात हो चुकी है मेरी यहाँ पर, फ्रैंकलिन भी कह रहा है कि हाँ मेरी बात हो चुकी है, अगर आप सर एक बार देखना चाहते हो तो कार देख सकते हो, बातचीत से कर सकते हो। माइकल कहता मेरे पे तो तुझे विश्वास है मेरे पे ठीक है, तो अपना जैसे काम कर रहा है वैसे कर पे, कोई चक्कर नहीं, मैं इसमें बीच में नहीं आऊँगा। तो फ्रैंकलिन कहता चलो ठीक है, बात आपकी जैसे सही है वैसे सही ठीक रहती है। तो हम चलते हैं ना फटाफट फ्रैंकलिन को अपने घर लेके जाने, इनसे कार को दे, इनको कार तो दे दी हमने, तो कार लेके हमने फटाफट घर पे जाने, बातचीत करते देखो क्या कहता है ये।
तो गाइस फिर से मैंने कहा माइकल को जाके कर सर से तू बात करे, अपनी पैसे पूछे बात करे, दोबारा फिर से बात माना कर। माइकल कहता नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं क्या करने जाऊंगा, क्या चलो कोई बात नहीं मैं चला जाता, अगर आप कह ही रहे हो इतना तो मैं चला जाता हूँ। तो माइकल गया वहाँ पर तो बातचीत कर रहा है, मतलब उनको बता रहा है कि पैसे पूसे कैसे कैसे क्या करना है। तो उसने बता दिए सारे पैसे मैं ट्रांसफ़र कर दिया। तो कहता आधे आधे जाएंगे, 10 10 रुपये अभी जाएंगे, तो कहने 10,000 अभी जाएंगे, मतलब 10 लाख लाख, मतलब ऐसे कर करके डालेगा वो। तो हमने कहा पेमेंट पूरी क्लियर होनी चाहिए, मतलब कोई बीच में दिक्कत ना आए, कार हम तुम्हें अभी देके जा रहे हैं। कहता कोई बात नहीं हम घर जाके सारे पेमेंट कर देंगे, मेरे पास अभी फ़ोन है, तो फिलहाल में मेरे से मतलब 10 लाख से ऊपर पेमेंट नहीं कर सकता मैं, तो कहता घर जाके पूरी मैं पेमेंट कर दूंगा लैपटॉप से। तो ठीक है, इनसे मैंने बात करी है, तो हम एक बार अपनी प्यारी सी कार को देख लेते हैं ना, एक बार माइकल को देखते हैं क्या कह रही है। माइकल चल जैसे तो सेलेक्ट ऐसे कर ले, तो हम प्यारी सी कार को अपनी देख लेते हैं जो बैठो की कार से चुरा के लेके आए। देखो गाइस कार बताना आप कमेंट में कैसी लग रही है। वैसे सामने सही कर रहा है क्योंकि लास्ट हमारे पीछे पड़ी हुई थी पुलिस, पड़ी हुई थी, क्या कर सकते हैं, तो हमें इसका छुटकारा तो करना ही था ना। तो मैं इनसे बातचीत कर सकता था, इनके पैसे इन्होंने मतलब 10 लाख अभी भेज दिए मेरे को, तो मैं बाद में इनसे मतलब सोच रहा हूँ अभी तक जितने पैसे इसने भेजे ना मैं फ्रैंकलिन को अभी नाल के नाल दे देता हूँ और उसको घर पर छोड़ देता हूँ फ्रैंकलिन के। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर इनको कार दे दी है, तो माइकल मेरे को अपने घर लेके जा रहा है। ठीक है, तो हम फटाफट बातचीत करते हैं इनसे, तो निकल जाते हैं कार लेके। सोच रहे हैं यहीं से जाएंगे बिल्कुल सीधा ना, तो सही रहेगा। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, और मैं सोच रहा हूँ पहले को फ्रैंकलिन को घर पे छोड़ता हूँ, और फ्रैंकलिन के जो पैसे है हिसाब किताब करके उसको वापस कर देते हैं उसी नाल के नाल। तो फिलहाल मैं फ्रैंकलिन के घर पहुँचने वाला हूँ, यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, वैसे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमें 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा फ्रैंकलिन घर जाना है। तो यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, इस करके हमें ध्यान से चलना पड़ रहा है, यहाँ से राइट होना पड़ेगा हमें। ठीक है, मतलब फ्रैंकलिन ने हमारी सपोर्ट कर दी है, फ्रैंकलिन ने तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते थे, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। वैसे फ्रैंकलिन जो करा बिल्कुल सही करा, मतलब हमसे थोड़े बहुत पैसे भी ले लिए, सही है, मतलब इसने हमारी हेल्प कर दी ना वो भी बहुत है। तो फ्रैंकलिन घर यहाँ पे आ चुका, तो फ्रैंकलिन को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, तो फ्रैंकलिन यहाँ से अपने आप घर चल जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ से ये अपने माइकल मतलब कार लेके निकल जाएगा यहाँ से। तो फ्रैंकलिन मेरे को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो देख लो हम उतर चुके हैं यहाँ पर, तो फ्रैंकलिन को हमने उतार दिया है। तो इसका घर है, मतलब घर हमने इसी जगह पे लगाई थी बैटमैन की कार, आपको पता होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी जगह, पहले पिछली वीडियो देखो फटाफट से, वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। जाओ देखो फटाफट पिछली वीडियो और आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि कार पहले यहाँ पे थी बैटमैन की येलो वाली। तो देख रहे हो ये मतलब माइकल को पूरा घर तक छोड़ के आएगा, मतलब फ्रैंकलिन को पूरा घर तक जाके आएगा ये, देख रहा हूँ अंदर अंदर भी जा रहा, मतलब घूम घाम के आ रहा पूरा चंगी तरह। ठीक है, तो माइकल कह रहा था कि चले एक बार तेरा घर देख आता, तो माइकल पूरा अंदर आ चुका था, फ्रैंकलिन से पूरी बातचीत हो चुकी है, इसे बोल दिया हमने भाई तो हम फटाफट जा रहे हैं अपने घर कार लेके। ठीक है, तो गाइस फ्रैंकलिन कह रहा है आज पार्टी साल दी करते हैं, चल साथ में चलते पार्टी साल दी। तो माइकल कहता है अभी मैंने पार्टी साल दी बिल्कुल नहीं करनी, उसका बिल्कुल मेरा मन नहीं है, तो हम इसे फटाफट कार लेके यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें तंग कर रहा है, कि कहता है हम मुझे लेके चल साथ में पार्टी साल दी करेंगे। तो पता देखो पीछे पीछे आई जा रहा है मेरे, हमने पर उन्हें बता दी कि पार्टी साल दी नहीं करनी। माइकल मतलब इतनी खुशी में है ना कि पूछो मत। तो माइकल कह रहा है मेरा मन ही नहीं है, फ्रैंकलिन कह रहा चल चलते हैं पार्टी करने। तो माइकल कह रहा नहीं यार नहीं जाएंगे, फिर कभी देखेंगे, है ना। तो सही करा हमने जो कार भेज दी, मतलब फ्रैंकलिन होता तो सही है, मतलब फ्रैंकलिन हमारे साथ था, अब हमें दिक्कत कोई नहीं है, लेस्टर छुटकारा मिल चुका है, लेस्टर से हमने अब बिल्कुल बात नहीं करनी है। अगर बात करेगा लाइक लेस्टर हमारे से, तो हम उसको कह देंगे पैसे दे अपनी कार ले जा, पर अब तो कार उसकी मर्जी है मालिक की ना, वो कितनी बेचेगा कितनी नहीं बेचेगा, अब मेरे को पता नहीं कितनी बेचेगा वो। बाकी उसको मैंने जो रेट दिया है बिल्कुल सही दिया, उनकी मर्जी सी थी, उन्हें हमें जबरदस्ती नहीं करी कि भाई देख सुन अगर आपने कार लेनी है तो बता दो हम आपको दे जाते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेना लो नहीं तो ना। सी भी करा बिल्कुल सही करा, तो फ्रैंकल ने हमारा साथ दे दिया, सही है ना। तो हमने पूरी कार अच्छी तरीके से बेच दी है, तो हमारे पास पैसा भी आ गया, तो हम सोचे एक शोरूम दोबारा खोलेंगे नवा, हमारे पास एक शोरूम तो था छोटा सा गलेक्सी शोरूम, तो हम सोचे शोरूम दूसरा खोलेंगे। बाकी मेरे पता नहीं, मेरे को डर लग रहा है कि लास्ट कुछ और ना कर बैठे, क्योंकि आपको पता ही है ऐसे लास्ट के पास पुलिस बहुत सारी है, वो पैसे देके मतलब पैसा सारा काम करा सकता है आराम से। तो ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर सकता हमारा वैसे तो, जब अगर फ्रैंक ने कुछ कर भी दिया है वैसे, फ्रैंक ने मेरे को तुरंत फ़ोन कर सकता है, तो हम उसे बचा लेंगे किस तरीके से। और कोई भी दिक्कत, मेरे को पक्का कन्फर्म नहीं पता कि कुछ ना कुछ कर बैठे, क्योंकि वो जैसे माइकल पर अटैक कर रहा था उसने, ऐसे फ्रैंकलिन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो फ्रैंकलिन को मैं सूचित नहीं करना चाहता क्योंकि उसे डर लगेगा, इस करके मैं उसे बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा अभी, अगर जो होगा तो देखी जाएगी आगे, है ना। तो मैं फिलहाल के लिए अपने घर जा रहा हूँ, तो मेरे को बस ये डर है कि फ्रैंकलिन कुछ कर ना ले वो। वैसे फ्रैंकलिन कुछ कर तो नहीं पाएगा, वैसे फ्रैंकलिन को मैंने बोल दिया कि नाल के नाल मुझे फ़ोन कर दियो, बाकी पता नहीं उसका क्या कर सकता वो लेस्टर, वैसे लेस्टर को पता ही आपको कैसा एक नंबर हैक करा वो। अब मेरे को ये भी पता मेरी कार में क्या पता कैमरा लगाया हो, बिल्कुल नहीं पता मेरे को।
है ना, बाकी कुछ कह नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। चलो तो फिलहाल के लिए मैं घर पे आ सकता हूँ, आ चुका हूँ पूरा। तो देखो सिक्योरिटी अभी भी इस टाइम में लगा रखी है, सिक्योरिटी हमने जल्दी हटा देनी है क्योंकि हमने बिल्कुल मतलब ज़िंदगी जीनी है आराम से, मतलब उसमें कोई दिक्कत ना। तो मैं कार यहीं पे लगा रहा हूँ ठीक है फिलहाल के लिए। देखो यहाँ पर सिक्योरिटी हमारी 3-4 कारें लगे, मतलब हम चेंजिंग कर दी ठीक है। 100 रूम भी हमारे पास है तो 100 रूम को हम अपडेट करेंगे ठीक है, हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि हम न्यू 100 रूम कहाँ से लेने जाएंगे। चलो देखेंगे कोई बात नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में इतनी, अगर वीडियो पसंद आए जरूर करना, मैं चैनल पर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।